आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल लिटिल एंजल्स ग्रोमिंग किड्स। आज हम बच्चों को कैपिटल आई के बारे में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। आई फॉर आइसक्रीम। देखो बच्चों, आप लोग को आइसक्रीम तो बड़ी अच्छी लगती है खाने में, ठीक है, खाना चाहिए, मगर सर्दी में नहीं, केवल गर्मी में, और वो भी कभी कभी। आई फॉर इंद्रलोक। इंद्रलोक जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग, वहां पे राजा इंद्र के लोक को कहते हैं इंद्रलोक। आई फॉर इग्लू। इग्लू क्या होता है बच्चों, जब बर्फ में, जहाँ बहुत ही बर्फ पड़ती है, और वहाँ के लोग, यहाँ पर तो हम लोग घरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, पर वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बर्फ़ का ही घर बना देते हैं, गोल सा होता है। जब आप लोग जो छोटे बच्चे हो, अभी जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो पता चलेगा, इग्लू गोल सा होता है, उसी में अंदर रहते हैं और उसी में खाते हैं, पीते हैं और रात के टाइम सोते हैं। आई फॉर इग्लू। पेरेंट्स ध्यान रखें कि जब भी हमें अगर कैपिटल लेटर लिखवाना है, ई लिखवाना है या कोई भी इंग्लिश लिखवाना है, तो उसमें 4 लाइन की कॉपी होनी चाहिए, प्लस उसमें डॉट लगा के दें। जैसे अब हम लिखेंगे आई, आई फॉर आइसक्रीम, तो बच्चों को क्या, पहले से आप लोग 2 डॉट लगाया और बच्चों को हाथ, छोटे बच्चों को हाथ पकड़वा के करवाएं, जैसे यहाँ से लिखा है, एक स्टैंडिंग लाइन और 2 साथ साथ छोटी स्लीपिंग लाइन, ये बन गया आई, आई फॉर आइसक्रीम। और हर वर्ड को बोलने के बाद उनको बुलवाना भी है लिखवाने के बाद। आई फॉर आइसक्रीम, स्टैंडिंग लाइन, एक 2 छोटी सी स्लीपिंग लाइन, आई फॉर आइसक्रीम, स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, आई फॉर आइसक्रीम, 2 डॉट लगाया, फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट से मिलाया, स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन छोटी वाली, साथ साथ बुलवाने, आई फॉर आइसक्रीम, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आई फॉर आइसक्रीम, स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन छोटी छोटी, बच्चों को बुलवाना, आई फॉर आइसक्रीम। बार बार प्रैक्टिस करवाएं। और आपको हमारे ये चैनल कैसे लगा और इसे पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, हमें अधिक से अधिक कमेंट करें कि जिससे हम आने वाले वीडियो को और अच्छा से बना सकें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।